आपके लिए लेकर आए हैं डीसी पावर सप्लाई क्यूज़े की। प्रोग्रामेबल डीसी पावर सप्लाई है, इसका मॉडल है क्यूज़े 3005N। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, 4 डिजिट में ही आपको डीसी पावर सप्लाई मिलेगी 30 वोल्ट 5 एम्पियर के अंदर। आउटपुट के रिगार्डिंग इसमें 3 आउटपुट दिए हुए हैं, इसमें प्लस, ग्राउंड और नेगेटिव इसमें दिया हुआ है। और प्रोग्रामेबल डीसी पावर सप्लाई है, 3 मेमोरी दी हुई है इसके अंदर, M1, M2, M3। और किस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे, आइए देखते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले मैंने इसमें पावर प्लग कर दिया है। ट्रांसफार्मर बेस्ड पावर सप्लाई है, SMPS बेस्ड पावर सप्लाई नहीं है, ट्रांसफार्मर पावर बेस्ड पावर सप्लाई है। तो यहाँ से हम इसे पावर कर देंगे ऑन। उसके बाद ये डिस्प्ले शो होगा, डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं वोल्टेज में आपको 19 वोल्ट और 5 एम्पियर शो कर रहा है। तो हम इसे किस तरीके से सेट कर सकते हैं, हम यहाँ से सेट कर सकते हैं जो इसका बटन है वो हमें 1 टाइम प्रेस करना है। तो आप प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि जैसे ही ब्लिंक करने लग गया है। तो ऐसे ही हमें जिस जहाँ पर भी इसे करना है वहाँ से हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पर 19 वोल्ट है और हमें यहाँ पर 18.50 वोल्ट सेलेक्ट करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे, तो 0, उसके आगे एक बार और प्रेस करेंगे, हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 5 के बाद वहाँ पर 18 वोल्ट हो गया। अगर हमें सेलेक्ट करना है 16 वोल्ट 16.5 वोल्ट, तो हम फिर दोबारा से प्रेस करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 16 वोल्ट यहाँ पर हमारा सेट हो गया है। और जैसे अभी इसे हम 2 सेकंड के लिए छोड़ेंगे, 2 से 3 सेकंड तक, ये ऑटोमेटिक फिट हो गया है, फिक्स हो जाता है। तो ऐसे ही हम मेमोरी की बात करते हैं। मेमोरी के अंदर हम M1 पे सेलेक्ट है इसका 30 वोल्ट 5 एम्पियर। तो हम इसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, अब 30 वोल्ट को हम अगर हमें करना है 19 वोल्ट तो हमें फिर दोबारा प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर करेंगे 9, फिर दोबारा प्रेस करेंगे, 2 की जगह 1 प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 से ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ये 29 वोल्ट तक ही शो करता है। तो अभी हम 1 वोल्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, डिजिट 1 सेलेक्ट कर लेंगे तो 19 वोल्ट आ गया। अब हमें करंट कैसे किस तरीके से सेट करेंगे, एम्पियर जो हमें करना है सेट, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है ये V-A, वोल्टेज एम्पियर। तो जैसे हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज सेलेक्ट हो जाएगा, और एक बार फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो हम यहाँ से एम्पियर सेलेक्ट कर सकते हैं। एम्पियर में भी आप जितना भी एम्पियर इसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं उतना एम्पियर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 एम्पियर 3 एम्पियर, वो डिपेंड करता है आपके बोर्ड के ऊपर। तो अभी हम इसमें कर लेते हैं 3 एम्पियर और यहाँ पर कर देते हैं हम 0, ठीक है। तो अब हमारी जो मेमोरी 1 है वो सेलेक्ट हो चुकी है 19 वोल्ट। अभी हम दूसरी M2 सेलेक्ट करते हैं तो उसमें भी 30 वोल्ट 5 एम्पियर दिखाएगा, सॉरी हमने सेव नहीं किया था। देखिए अभी हम इसे कर लेते हैं 19 वोल्ट, ये देखिए 19 वोल्ट हमने सेलेक्ट कर दिए। अब सबसे ज़्यादा शॉर्ट किलर का हमें जाएगा, जैसे हम यहाँ से करेंगे तो आउट हो जाएगा। और वोल्टेज आउट करने के लिए हम इसे 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला, हम यहाँ पर वायर लगा सकते हैं अपने, और दूसरा इस तरीके से शॉर्टिंग के लिए भी ये केबल भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम रेड प्रोब रेड में लगाएंगे और ब्लैक प्रोब ब्लैक में लगाएंगे। अभी हमारे पास आप केबल देख सकते हैं, जैसे मैंने आउटपुट में लगाया ऑटो कट हो जाती है। ऑटो कट में आपका एम्पियर बढ़ा रहेगा, जैसे कि आपके बोर्ड के अंदर कोई भी शॉर्टिंग है तो आप इजीली उसे वो कंपोनेंट हीट हो जाएगा और आपको इजीली पता चल जाएगा कि बोर्ड में फॉल्ट कहाँ पर है। तो जैसे कि मेरे पास एक सोल्डर वायर है, हम सोल्डर वायर के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सोल्डर वायर के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसकी क्वालिटी। तो देखिए मैंने अभी 19 वोल्ट सेलेक्ट किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो कट ऑटोमेटिक होती जा रही है बार बार। तो आपने भी देखा इसकी क्वालिटी कैसी है।
अगर आप इस मशीन को परचेज करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो भी डिटेल्स दी हुई हैं आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको ये मशीन कैसी लगी और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।